जिसके यदि राम जी प्रिय नहीं है उस व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, ब्रज गोपियों ने अपने पतियों तक को त्याग दिया। बस एक ही स्मरण है, एक ही चिंतन है, भगवान का यदि हमने आश्रय लिया है तो दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको ठाकुर पूर्ण ना करे। संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, संसार के लिए आप कितना भी करो, जब तक स्वार्थ है तब तक वो तुमसे प्रेम करेंगे और जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा उसी दिन वो तुमको छोड़ दे। इस हेतु से यदि मांगना है तो भगवान के सामने मांगो, रोना है तो भगवान के सामने रो, नाचना है तो भगवान के सामने नाचो। यदि संसार के सामने यदि रोगे तो वो तुम्हारा उपहास करेंगे। भैया संसारियों को तो अपना दुख भी नहीं सुनाना चाहिए, यदि संसारियों को आप अपना दुख सुनाओगे तो आपके सामने तो कह देंगे कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और पीछे क्या कहेंगे पता है, जिनको जय भय चिन्ह तो जे जय लायक है। ये संसारियों की स्थिति है, दुख भी सुनाओ तो भगवान को सुनाओ, सुनाओ हंसो तो भगवान के सामने हंसो, नाचो तो भगवान के सामने नाचो।